हरे कृष्ण, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमको बात करनी है वृष राशि के जातकों के बारे में कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में नौकरी लगेगी, क्या व्यापार करेंगे, क्या कार्य करेंगे, राजनीतिक लाभ क्या होगी, सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा, आपको सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा और आज आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये सब आज हम आपको बताएंगे। नौकरी किस फील्ड में मिलेगी, घर की माली हालत कैसी रहने वाली है, ये सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या है, आपको अगर जानना है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप इनबॉक्स में जाएं और अपना प्रश्न, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान अपना लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आज आपको चतुर्दिक लाभ मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी और जो अभी तक आपने योजनाएं बनाई हैं योजनाओं को मूर्त रूप में होते हुए आपको दिखेगा और जो भी पाइपलाइन में कार्य है वो कार्य आपका सब संपन्न होगा। रोग और शत्रु परास्त होंगे, माली हालत अच्छी होगी, सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा। यदि आप कारपोरेट में या पत्रकारिता में या शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आज आपकी पदोन्नत हो सकती है, आज आपके नाम की चर्चा हो सकती है, आपका यश फैलेगा और कई तरह के कार्य होने से मनोबल आपका काफी हाई रहेगा और अचानक यात्रा से मन उद्विग्न भी हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी, बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनके शादी विवाह के रिश्ते चल सकते हैं और जो जातक अगर आज अपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रवेश के लिए परेशान है, आज उनका इच्छित जगह पर उनका प्रवेश मिलने की संभावना बन रही है। व्यवसायिक रूप से आपका चतुर्दिक प्रगति होगा, कंस्ट्रक्शन, माइंस, रियल एस्टेट में अगर आप कोई भी नया व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुक जाए, नहीं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। साझेदारी में कोई भी व्यापार करने से परहेज करें। रोग और शत्रु को हल्के में न लें, दूर देश की यात्रा का भी संभावना बन रहा है। यदि आप कोई नए तरह का प्लान आपने कर रखा है तो उस कार्य को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि कोई भी चीज भावुकता में आके कोई निर्णय आप न लें। उपाय क्या करना है, उपाय करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना है। और आज चूंकि राखी का त्योहार है तो आज आप क्या करें कि जो राखी है उस पर क्रीम कलर का अगर धागा हो या क्रीम कलर की राखी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ दूध से बनी बर्फी अपने भाई को खिलावें और भाई गिफ्ट में अगर चांदी का सिक्का हो सके तो अपनी बहन को गिफ्ट दे या क्रीम कलर का सूट या क्रीम कलर का साड़ी, जो वस्त्र देना है गिफ्ट दे, उसके लिए अति शुभ रहेगा और अच्छा रहेगा। और आज आपको उपाय तो मैंने बता दिया और आज आपके लिए शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सफेद। हरे कृष्ण।